अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है बीएनबी डर्मा का सुपर नाइसिनमाइड सीरम। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है आजकल नाइसिनमाइड सीरम जो है दी ऑर्डिनरी का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन ये कि जो इस वक्त मेरे पास है जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी है और जो स्किन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा, तो जो है इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अंदर मौजूद थे नाइसिनमाइड 10% एंड जिंक 1%। अच्छा जी, जब नाइसिनमाइड और जिंक कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, अनब्लॉक करते हैं हमारे पोर्स को, मिनिमाइज करते हैं हमारे फेस की इन्फ्लेमेशन को और इसके साथ साथ रिड्यूस करते हैं हमारे फेस के एक्सेस ऑयल को। नाइसिनमाइड जो है वो हमारी स्किन से प्रिवेंट करता है एक्ने को, ऑयल कंट्रोल करता है हमारे फेस के पोर्स, इन सारी चीज़ों को जो है वो बंद करता है। तो ये काम जो है ये नाइसिनमाइड का। इसका जो जिंक है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि डिले करता है स्किन एजिंग, यानी जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, स्किन स्ट्रेच रहती है, टाइट रहती है। अच्छा जी, तो इस तरह की जो है बॉटल होती है, इसके ऊपर जो आपको आराम से ड्रॉपर दिया जाता है, इसकी वजह से आप इजीली जो है वो अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ड्रॉपर की हेल्प आपने सिर्फ एक बार प्रेस करना है, आपके इसके अंदर जो है वो ड्रॉपर में आपका जो सीरम है वो आ जाएगा। आराम से आपने क्या करना है, अपने फेस के ऊपर चीक्स के ऊपर एक एक दो दो ड्रॉप्स, यानी बस 1-2 ड्रॉप्स जो है आपने जो है एक साइड पर अप्लाई करना है। इस तरह आपने जो है ड्रॉपर से लिया, इसको अप्लाई कर लिया। आपने कोशिश ये करनी है कि जो ड्रॉपर है डायरेक्ट आपकी स्किन पर टच ना हो, आपने जो है वो सिंपल इसको टैप टैप हल्का सा रब करके हल्का सा टैप टैप किया और ये आपकी स्किन के इतना अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने अपने फेस के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई की है, या आपकी स्किन बिल्कुल लेयर आ जाएगी, आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी, ये कोई भी ऐसा जो है वाइट कास्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छी तरीके से स्किन के अंदर दिखें, एब्जॉर्ब हो गया, बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने अपने फेस पर कोई स्टिकी सी चीज़ें कुछ अप्लाई कर लिया है। क्योंकि गर्मी में ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ अप्लाई करें ऑयली, पहले फेस पर ऑयल आ रहा होता है, कोई ऑयली चीज़ अप्लाई करो तो और बुरा फील होता है। तो नहीं जी, बिल्कुल ही फेस में इतना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कोई चीज़ आपने कोई लेयर कोई कोट अपने फेस पर लगा ली है, इतना ज़बरदस्त सीरम है। आपने क्या करना है, इसको दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना है, 2x a day। अच्छा जी, तो ये अप्लाई करने के बाद अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। तो कोई आप इस बात का ध्यान रखना कि इसको अप्लाई करने के बाद ही आपने कोई दूसरी चीज़ लगानी, ठीक है, कोई और अप्लाई करके फिर उसकी सेकंड लेयर इसकी नहीं लगानी है। यानी अगर आप मेकअप करें तो पहले आप जो अपनी बेस बना सकते हैं इस सीरम को अप्लाई करके, फिर मेकअप कर सकते हैं, कि ये वाले ये सीरम लगाने के बाद जो है उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, तो सीरम जो है वो हमेशा पहले आएगा। अच्छा जी, मैंने नाइसिनमाइड का फेस वॉश जो है उसका रिव्यू शेयर किया, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, और कहाँ से ऑर्डर किया उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, जो दी ऑर्डिनरी का नाइसिनमाइड सीरम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्किन के ऊपर जो है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा भी आता है और थोड़ा सा ख़राब मतलब भी आ सकता है उसका रिज़ल्ट। और उसको हमेशा जो है वो डाइल्यूट करके यूज़ करना होता है, आप किसी मॉइस्चराइज़र में, किसी लोशन में, किसी क्रीम में मिक्स करके ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श टाइप का रिज़ल्ट दे सकता है और स्ट्रॉन्ग भी। लेकिन ये है कि जब अगर रिज़ल्ट देता है तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी देता है। उसकी प्राइस जो है वो 3000 है, लेकिन इसके जो है प्राइस जो है वो सिर्फ 1000 है। और इसको आपको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इसको आराम से स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी दूसरी चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेकअप वगैरह करते हैं तो मेकअप के लिए आप सबसे पहले जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं इस सीरम को, उसके बाद आप अपने फेस में मॉइस्चराइजर अप्लाई करके अपनी बेस रेडी कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप आराम से जो है अपना मेकअप वगैरह कर सकते हैं, तो आपको प्राइमर वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी ये इतना अच्छा किस्म का जो है हमारे पास सीरम है और ये जो है हमारे पास बीएनबी डर्मा का है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताऊँगी, ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने यूज़ किया पर से मुझे अच्छा लगा तो मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।